कोहली भाई का भाई 50 सेंचुरीज हो चुका है, काफ़ी अच्छा इनिंग खेले हैं हमारे कोहली सर। देखो कोहली ओडीआई सेंचुरीज, ये सचिन तेंदुलकर सर। खैर आ गया, सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी पक्षपाती के। हे वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और काफ़ी इंजॉय किए होंगे दो तीन दिन में। दिवाली था, चिल्ड्रेन डे था और भी भाई मजाक मस्ती दोस्त यार सब मतलब बहुत इंजॉय किए होंगे। तो मेरी यही दुआ है कि आप लोग ऐसे ही हंसते खेलते रहो, हमेशा अपने जीवन में खुश रहो, हाँ, और आप लोग के जीवन में कोई दुख परेशानी ना आए। तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल स्वयं ब्लॉग जोन में, हाँ, बने रहिए हमारे चैनल पे। हम आपको अच्छी अच्छी ब्लॉग, अच्छे अच्छे जगह, अच्छे अच्छे वर्क दिखाएंगे, हम लोग कैसे क्या करते हैं, कब क्या होता है, और बहुत सारी जानकारी, अभी बहुत सारा जानकारी बाकी है भाई बताना है आपको। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करें और बने रहिए हमारे चैनल पर, हम आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते रहेंगे। अभी तो फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं शॉप पर, वहाँ पे पहुँच के बताते हैं क्या काम है क्या नहीं है, क्या करना है, साइड रोड पे जाना है कि नहीं जाना है, वहाँ पे पहुँच के आपको बताते हैं। अभी तो फ़िलहाल हम लोग रूम पे हैं और अभी निकलने वाले हैं, तो अभी हम लोग चलते हैं शॉप पे। तो भाई हम शॉप पे आ चुके हैं, अभी तो फ़िलहाल कुछ काम नहीं है, खाली है। अभी आता है कुछ काम तो दिखाते हैं। भैया गए स्टीकर लेने, देखो क्या होता है। अभी स्टीकर आएगा तो उसका आगे कार्यक्रम चालू होगा भाई। अभी तो फिलहाल गए हैं स्टिकर लेने, देखो क्या होता है आने के बाद। और भाई कटिंग का काम आ चुका है और फिलहाल कटिंग चालू है, हाँ। और ये देखिए पढ़ के स्कूल से आ गए, इनका 12 बजे ही छुट्टी हो जाता है, सबका 2 बजे 3 बजे, इनका 12 बजे छुट्टी हो जाता है भाई। और देखो कटिंग चालू है, इधर 2 पीस हुआ है, उधर 3 पीस हुआ है और इधर इतना सारा हुआ है, देखो अभी और कटिंग चालू है, देख रहे हो ना, कटिंग चालू है। दिखाते हैं आपको होने के बाद कितना सारा हुआ है और आपको दिखाते हैं स्लिप कितना ज़्यादा है। ज़्यादा कटिंग करना है और बाकी सब हो चुका है, जिसमें मार्क लगा है वो 2 पीस हो चुका है, अभी और कटिंग होता है तो दिखाते हैं आपको। हम आ रहा है ग्लास तो हम चलते हैं, सब हटाना है, साफ़ करना है, छोटा छोटा ग्लास पीछे फेंकना है, मतलब डालना है, फेंकना नहीं है, हटाते हैं, उसके बाद फिर इसको क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे एक ग्लास आएगा, उसके बाद धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है, अभी आएगा तो दिखाते हैं आपको, हाँ। तो अभी उसको हम साफ़ कर देते हैं, छोटा छोटा ग्लास पीछे चल जाता है, उसके बाद दिखाते हैं। देखो ये वाला पूरा क्लियर खाली हो चुका है, इसके बाद ये वाला भी हमने खाली कर दिया है, बस ये बड़ा ग्लासेज है और इसमें तो खाली करना नहीं था, सब यहाँ पे रख दिया। दिखाता हूँ आपको कहाँ पे रखे हैं, कुछ यहाँ पे है और कुछ यहाँ पे है और कुछ यहाँ पे है। ये जो मिरर है, ये मिरर है भाई, ये मत सोचो कुछ और है, कुछ यहाँ पे दिए, हाँ, मतलब ढेर यहीं पे रखा हूँ और बाकी यहाँ थोड़ा सा वहाँ ऐसे ही रख दिया हूँ, एडजस्ट कर दिया हूँ। देखो अभी क्या होता है, सही है कि नहीं है, अभी फिर कहीं हटाना वटाना पड़ेगा, क्लासेस ढेर आ रहे हैं ना इसके लिए, देखो क्या होता है, अभी दिखाते हैं हम आपको अच्छे से। भाई जैसे कि अभी खाली हो चुका है और इसमें में से भी कुछ खाली किया गया है, देख सकते हो जैसे कि आप लोग देखो। और फिलहाल तो हम लोगों ने जो पीछे रखा है उसको तो देखो ये भी खाली किया गया है, ये भी और वो भी, मतलब सब खाली किया गया है। और जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे है उसको हम लोग यहाँ पे ला के रखेंगे, यहाँ पे भी कुछ सीटें आ जाएंगी, देखते हैं अभी आपको बताते हैं, करने के बाद दिखाते हैं आपको अच्छे से, हाँ। और भाई अब देखो ये वाला हटाने जा रहे हैं, जो साग सब्जी बना था ना, अब ये वाला हटाएंगे, उसके बाद इधर का भी क्लियर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सब घास देते हैं ऐसे ही, उसके बाद जब ज़रूरत होगा तो भैया लेकर जाएंगे, उसके बाद लगाया जाएगा। अभी तो फिलहाल यहाँ से हटा के यहाँ पे ग्लास आने वाला है, फटाफट हटाते हैं और यहाँ सब मतलब जहाँ जहाँ हम लोग खाली कर रहे हैं सब पे ग्लास आने वाला, अभी देखो कितना ग्लास आएगा भाई। ये देखो भाई हमारे शॉप का शटर थोड़ा
ऊपर नीचे हो चुका है तो उसको सही करना है। देखो भैया खोल के लेकर जा रहे हैं अभी, इसको पीट पीट कर सीधा करेंगे, उसके बाद फिर लगाएंगे। इसमें दिखाते हैं अभी आपको लगाते समय। देखो मेरा हाथ चालू है, अभी होने के बाद इसको लगाते हैं। देखो भैया को सब काम करने आता है भाई, ऑल टोटल कुछ भी मिल जाए। देखो हो चुका और अभी चलेंगे लगाने इसमें। नट बोल्ट आएगा इसका, अभी लगाएंगे उसके बाद देखो क्या होता है। और देखो भाई अब लग रहा है नट बोल्ट दोनों। देखो दिखाते हैं आपको उधर से भी अच्छे से। देखो क्या लेकर खड़े हो, क्या है? हाँ देखो अभी लगने जा रहा है, देखो लगता है कि नहीं लगता है। देखो हाथ में है इनके, इस तरीके से होगा, इस तरीके से अभी लगेगा इधर भी। और देखो भाई लग रहा है, घुस जाओ घुस जाओ घुस जाओ ऐसे। एक नट उधर चला गया, देख रहे हो? उठा लो उठा लो बाबू, वार्सल दो फटाक से। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ मेरे को दे दो पहले। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऊपर आओ, दे दो ताता को, आ जाओ मेरे। और देखो भाई अभी कुछ देर में फिट हो जाएगा ये हैक करके। और भाई अभी हो गया है समझ लो फाइनल, फुल इन फाइनल। और हमारा शटर हो चुका है ठीक। पहले क्या था, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था गिराने में, इधर इधर अटक जाता था, इधर अटक जाता था, अभी नहीं अटकेगा। तो भाई अभी तो काम नहीं है, तो फिलहाल हम लोग मैच दिखाई कर रहे हैं। देखो कोहली भाई का भाई 50 सेंचुरीज हो चुका है, काफ़ी अच्छा इनिंग खेले हैं हमारे कोहली सर। देखो कोहली ओडीआई सेंचुरीज, ये सचिन तेंदुलकर सर। अरे भाई सिक्स लग, अरे त्रिज बहुत सही छोड़ दिया। हम तो कहे सिक्स लगा, दो रन बच गया भाई। अरे भाभी हम लोग की भाई। मरलेत रहल आगे बढ़ के मरल है मर देना। हाँ हाँ एकदम एकदम, जय हनुमान जय भगवान। काफी हताश और निराश लग रहे हैं भाई न्यूजीलैंड वाले। इंडिया विन और कोई नहीं होगा भाई, जिस तरीके से इस बार मैच प्रदर्शन हुआ है ना इंडिया। ओ भाई लगा सिक्स, वाओ गजब का सिक्स। विराट कोहली मिल रहा है, हाँ वो भाई लगा तो सिक्स। कौन मारा है? पहले कहाँ दिखाते हैं? 78 meters भाई कोहली ने मारा भाई, ये गया चौका, बच गया बच गया बच गया। दिखाते हैं भाई कितना अभी कुछ अमेजिंग होता तो दिखाते हैं, अभी तो फिलहाल इतना ही। आई सो सैड कोहली सर आउट हो चुके हैं, 117 रन 113 पे अच्छा खासा खेल के गए भाई। और सचिन सर भी ताली बजा रहे हैं, तेंदुलकर सर देख रहे हो। ये है जलवा,
चक दे इंडिया। देखो कौन सा प्लेयर इस बार आता है, केएल राहुल, विराट। बधाई हो सर, बधाई हो, सब लोग बधाई दे रहे हैं भाई। क्या बात है भाई, केएल राहुल सर आ गए हैं। ये देख रहे हो भाई, बंदा कितना पिटाया हुआ है, 6 ओवर में 46 रन, देख रहे हो इतना ज़्यादा। देखो भाई इतना सारा ग्लास इधर, और फिर इसमें देखो खाली था ना, देखो देख रहे हो कितना सारा है इतना, और उसके बाद इसमें छोटा वाला किधर गया, ये वाला सैंड बोबिन का, देख रहे हो इतना सारा भाई। 10-15 मिनट लगा सब उतार के रख दिए हैं, थोड़ा हेल्प हम लोग को हेल्प नहीं करना पड़ा, मतलब हम लोग हमारा जो यहाँ से हटा उटा था यही सब हटाए उठाए हैं, इधर का भी क्लियर किए हैं सब, वहाँ पे गाजे हैं यहाँ पे गाजे हैं, देखो क्या करेंगे। तो भाई अभी देखते हैं, काम धाम तो है नहीं कुछ, अभी कुछ देर बाद 1-2 घंटे बाद दुकान बंद करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, दिखाते हैं आपको भी, उसके बाद जाएंगे रूम पे, हाँ बताते हैं आपको भी। तो भाई जैसे कि आप लोगों को पता होगा आज न्यूजीलैंड इंडिया का मैच है, और काफ़ी अच्छा बैटिंग हुई है इंडिया की तरफ से, 398 रन्स भाई, वो भी एक ही विकेट पे शायद, नहीं 2 विकेट, ध्यान नहीं दिया कितना विकेट हुआ, लेकिन ये मैं देखा हूँ 398 भाई रन्स। और उसके बाद फिर मैं न्यूजीलैंड का देख रहा था करीब 10 ओवर तक, तो 66 ऐसे कुछ हुआ था, हाँ 62 या 66 था, और उस पर 2 विकेट गिर चुकी थी 2 विकेट भाई। देखो इंटरेस्टिंग होने वाला, देखो इंडिया ऑलवेज विन, लेकिन फिर भी मैच क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि खेल किसी का नहीं होता है, कितना भी ओवर कॉन्फिडेंस रहे और कितना भी अनकॉन्फिडेंस रहे सब पे एक ही मुकाबला होता है, लेकिन फिर भी इंडिया हमेशा आगे है, इस बार भी आगे रहेगी, इस बार फाइनल जीतेगी भाई, फाइनल जीतेगी इस बार इंडिया। तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या स्कोर होता है और कौन सी टीम जीतती है, अभी तो बहुत टाइम है उसका चर्चा का लोग, अभी फ़िलहाल हम लोग दुकान क्लोज कर रहे हैं और जा रहे हैं रूम पे भाई, तो पहुंच के दिखाते हैं रूम पे, मतलब कितना, मतलब देखते हैं कितने टाइम बाद होता है, उसके बाद उसी हिसाब से हम बताएंगे, आज नहीं तो कल बता देंगे, हाँ जैसे देखेंगे। टाइम अभी ज़्यादा लगने वाला, क्योंकि 40-50 ओवर का था अभी कुछ देर पहले, तो अभी कुछ ही ओवर 11-12 ओवर, मान लो 20 ओवर ख़त्म हो गया होगा, 30 ओवर होगा, तो अभी 2-3 घंटा तो जाएगा ही, तो देखते हैं अभी बताते हैं आपको कौन फाइनल विन होता है, लेकिन इंशाल्लाह इंडिया ही जीतेगी, हाँ इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी बताते हैं आपको कल जीतने के बाद। ओके दोस्तों, और अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं रूम पे, अब दुकान वकान क्लोज कर रहे हैं भाई, दिखाते हैं रूम पे पहुंचने के बाद। तो दोस्तों जैसे कि अभी भी मैच चालू हुई है, अभी ख़त्म तो होगा नहीं इतनी जल्दी, अभी तो 29 ओवर हुए हैं और 182 रन पहुँच चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी है हिम्मत है, अभी बहुत रन चाहिए, 100+ रन चाहिए, देखो इसको देखो। तो दोस्तों अभी बहुत रन चाहिए, तो अभी इस टाइम तो अभी थोड़ा काम वाम करने जा रहे हैं, तो दिखाते हैं आपको कल बताते हैं कौन टीम जीती है, आप लोग को तो ऑलवेज वैसे भी पता होगा, लेकिन नहीं पता होगा तो कल हमारा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो हम बताएंगे कौन सा टीम जीता है, कितने रन से जीता है, कितने विकेट से जीता है, तो हम आपको बताएंगे। ओके तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सोहेब सिद्दीकी, तो बने रहिए हमारे चैनल पे, ऐसे ही ब्लॉग की वीडियो आती रहेगी, और आप लोग कुछ भी मिस ना करें, कुछ भी मिस ना करें। इन दोनों को देखो, चंगू मंगू को देख रहे हैं
तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे, हम आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो दिखाते रहेंगे और ऐसे ही अनोखी अनोखी बातें आपको बताते भी रहेंगे। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।